यस चिल्ड्रन, एवरीबडी इज वाचिंग। ओके ओके, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ओनली टू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली वर्ड बाय वर्ड एंड एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर गेटिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। आज दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े रीजन्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। वाई दे आर गेटिंग इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड यू नो वेरी वेल। वाई दिस इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस अक्रॉस कंट्रीज हैज़ मेनी डायमेंशंस। ठीक है, इंटरकनेक्ट होने के बहुत सारे डायमेंशंस हैं इन एवरी सेक्टर, वेदर इट इज़ कॉमर्स सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, और यू नो से यू कैन से शेयरिंग देयर कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। All these dimensions, peoples are getting interconnected with each other. अपना social condition establish करने के लिए, अपनी political condition को develop करने के लिए, अपने culture को develop करने के लिए, and to develop our economy, right? Many countries they are going to interconnect with each other. Understand? And this chapter looks at globalization in a more limited सेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही लिमिटेड सेंस में बात करेंगे। क्लियर। एंड द इकोनॉमी यू नो ग्लोबलाइजेशन एक जो है क्या कहते हैं हमारा इसकी डेफिनेशन, इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ओके, तो हमारा ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन यहीं से मिलती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड बाय यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन मींस इट डिफाइंस ग्लोबलाइजेशन एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओके, ये हमारी डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मींस टू बिकम यूनाइटेड। ठीक है, मींस टू गेट इंटरकनेक्टेड बिटवीन कंट्रीज। कई कंट्रीज के बीच में जो है एक इंटरकनेक्शन है ग्लोबलाइजेशन, और वो किस माध्यम से इंटरकनेक्ट होते हैं, यूजिंग फॉरेन ट्रेड। व्यापार करते हैं एक दूसरे से, ट्रेड करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्री का पैसा लगा के और अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं। और इसको इन्वेस्टमेंट कराने में कौन हेल्प करता है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, MNC। द फुल फॉर्म ऑफ MNC इज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, इसको एक ही डिवाइस है दैट कंट्रोल्स, दैट डिवाइस इज इंटरनेशनल डिवाइस, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बहुत सारे कंट्रीज आज मेंबर हैं, मोर देन 100 प्लस कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और ये सारे मिल करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दे ट्राइज टू स्टार्ट फॉरेन ट्रेड एंड यू नो डू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड, एंड दे हैव कैपेसिटी टू प्रेशराइज एनी गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी इनका जो टर्नओवर होता है किसी एक गवर्नमेंट के टर्नओवर से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की वजह से वो उस कंट्री को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वहाँ की पॉलिसी को चेंज करवा लेते हैं, ये ट्रेड बैरियर को भी जो है ख़त्म करा लेते हैं अपने लिए। अंडरस्टैंड, ये है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ओके, तो एज यू विल नोटिस द मोर कॉम्प्लेक्स इशूज ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैव बीन लेफ्ट आउट। इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो आयरन एंड स्टील का इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज का इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे अपनी कंपनीज के ढेर सारे ब्रांचेज इस्टेब्लिश करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं और हमारे गवर्नमेंट का एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही मिनिस्ट्री है दैट इज़ गोइंग टू हैंडल। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है, बहुत ही जटिल, बहुत ही ऐसा इशू बन जाता है कि इसमें जो है क्या कहते हैं हमारे सारा के सारे मिनिस्ट्री के लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसका जो है रिजल्ट लेने में टाइम लगता है।
सो इफ वी लुक एट द पास्ट 30 ईयर्स, अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें, है कि नहीं? इफ वी लुक ऑन पास्ट 30 ईयर्स, वी फाइंड दैट MNC हैव बीन अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, दे हैव अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये एक फोर्स डेवलप करते हैं, एक स्पेशल फोर्स अप्लाई करते हैं कनेक्टिंग डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के जो दे आर मेनी रीजन्स। ओके, वेरी गुड। ओके, नमन त्रिपाठी ज्वाइंट। ओके अंशिका, सो हियर व्हाई आर द MNCs स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन टू द कंट्रीज। MNC को क्या पड़ी है, वो अपने प्रोडक्शन को क्यों स्प्रेड करते हैं टू अदर कंट्रीज, है ना? एंड व्हाट आर द वेज इन विच दे आर डूइंग सो, और ऐसा क्या तरीका है जिस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कस दिस। अभी हम चैप्टर को पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ेंगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कैसे स्प्रेड होती हैं, अपना प्रोडक्शन फैलाती हैं अदर कंट्रीज में, एंड हाउ दे आर डूइंग सो, राइट, रादर देन रियलाइंग द क्वांटिटीज एस्टिमेट्स, और वो किस तरीके से क्वांटिटी का एस्टिमेट बनाती हैं। द रैपिड राइज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द MNCs हैज बीन शोन थ्रू अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स। और हमारे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो साफ दिखाई देता है। एंड यू नो, बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं, MNCs हैव बीन शोन थ्रू अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स, कई एग्जांपल है MNC के, जैसे मेनली ड्रॉन फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर इंडिया के नज़रिए से देखा जाए। नोट दैट एग्जांपल्स आर एन ऐड टू एक्सप्लेन अ मोर जनरल पॉइंट। ये एग्जांपल्स आपके जनरल पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं एंड व्हाइल टीच। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो इन दिस मैनर वी कैन सी दैट इट हैपेंस। ठीक है, अब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पोर्शन। अब इसमें दिया है जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। पीपल, मेनी कंपनीज, दे यूज टू प्रोड्यूस समथिंग समथिंग न्यू, ओके, एंड दे ट्राई टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा। और जो मार्केट का इंटीग्रेशन है, चाइना है, इंडिया है, हर कंट्रीज का मार्केट है, वो इंटीग्रेट हो जाती है, एक हो जाती है, और सब के सब जो है एक पार्टिकुलर जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को सेल करती हैं। ठीक है, हर आइडिया को सेल करती हैं, और इस तरीके से दे हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इस चैप्टर में हम ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, दैट वी विल स्टडी। ओके चिल्ड्रेन, सो हियर वी विल ट्राई टू हाईलाइट द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन द प्रोसेस। इनका रोल क्या है उसको हाईलाइट करेंगे। यू हैव टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स ग्रास्प दिस आइडिया। ओके, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। एंड ग्लोबलाइजेशन हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर्स। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ। थ्री ऑफ दीज हैव बीन हाईलाइटेड। इनमें से तीन पॉइंट हमने इसमें हाईलाइट किया इस चैप्टर में। एक है ग्लोबलाइजेशन यू नो कॉज्ड रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और एक हमारा लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन मीन्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। हमारी गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है और जो हमारा ट्रेड है उसमें लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट बिकेम मोर काइंड एंड दे यू नो रिड्यूस ट्रेड बैरियर। उन्होंने टैक्स कम कर दिए या टैक्स नहीं लगाया या 2-4 साल के लिए टैक्स में छूट दे दिया। इन सबको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर फुल डेफिनेशन। ओके, सो प्रेशर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यही प्रेशर बनाती है हर कंट्रीज की पॉलिसी पर। ठीक है, हर कंट्री को बताती है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे हम भी कुछ दिन तक यहाँ पे काम करें, क्योंकि हम लोग नए नए हैं और हमें बहुत टाइम लगेगा सेटल होने में। इसलिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बना करके 2-3 साल का टैक्स ये लोग माफ़ करवा देते हैं। सो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इज फैसिनेटिंग। ओके,
improvement in technology is a fascinating area of students, right? ये एक बहुत ही fascinating area है जहाँ पे technology improve होती है और हमें जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा discuss करना है, उसको explore करना है. While discussing liberalization, you have to keep in mind that अच्छा ये हमारे teachers के लिए दिया गया instruction. एंड डब्ल्यू टी ओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फाइनल सेक्शन इसका चैप्टर का जो है इट कवर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है. ओके, सो टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट प्रोसेस. एक स्तर किस लिमिट तक ग्लोबलाइजेशन ने जो है डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना योगदान दिया. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या योगदान है डेवलपमेंट प्रोसेस में. This section will draw on the topic to cover the chapter and we will try to understand the chapter and context. Okay, we will try to understand various brainstorming topics and isme hamara jo sources of information inhone kahan kahan se isko collect kiya hai is chapter ke matters ko, that has been given here. So we are coming to our topic, the next your chapter. Okay children, so here is your chapter, globalization and the Indian economy. Okay, so globalization means hota hai kya hai ki when something cross the boundary of a particular region or area or dominion, okay, and it reaches to another country, then the product has been globalized. Clear? So we are consumers, है ना, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है कंज्यूम करते हैं बाजार से लेके. ठीक है, आज के वर्ल्ड में एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस. क्योंकि हम लोग कंज्यूमर और हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हैं. Many types of toys, many types of appliances, many types of gadgets, electrical gadgets, all these things are available. Okay, so as consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services. Okay, and the latest model of digital camera, har consumer chahta hai ki hamare paas kaun sa camera ho, latest model. Mobile phones kaun se ho, latest model. टीवी हमारे घर में कौन सी हो, सबसे लेटेस्ट मॉडल की. ठीक है, और ये कौन बनाता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स दुनिया के बनाते हैं और वो हमारे पहुंच में आ जाते हैं, हमारे बजट में आ जाते हैं. सो एवरी सीजन हम देखते हैं न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स. हर सीजन में एक नए तरह का मॉडल ऑटोमोबाइल का, ठीक है, इट कम्स ऑन इंडियन रोड्स. नए नए तरह की बाइक्स आप देखते हैं करके चलाते हैं, कभी मतलब हैवी बाइक्स भी चलाते हैं. तो ये कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड जो है हमारा हर मतलब तरह तरह के ब्रांड हमारे सामने हैं. गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फीएट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड्स. वो समय चला गया जब हमारे इंडियन रोड्स पे केवल एम्बेसडर और फीएट कार दौड़ती थी. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स produced by nearly all the top companies in the world. ठीक है, टुडे इंडियंस हमारे कितने हैं, उस हर तरह के जो है क्या कहते हैं वेराइटीज़ को जो है खरीदते हैं. कोई पता लगा सीएनजी वाली कार खरीदता है, कोई फीएट, कोई और महंगी महंगी कार्स खरीदते हैं. बहुत सारे मॉडल्स आज हमारे मार्केट में हैं, तो लोग जो है अपने कार को चेंज करते रहते हैं क्योंकि बहुत सारी टॉप कंपनीज है, दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर कमिंग इन मार्केट एंड वी आर एज अ कंज्यूमर वी ट्राई एवरी मॉडल, है ना. सो अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मेनी अदर गुड्स. तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स. जैसे हमने पढ़ा था ना एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, है ना, तो इसी तरीके से एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड, ब्रांड का एक्सप्लोजन हो, बहुत तरह के ब्रांड हमारे सामने आ गए और अब हम लोग सोच नहीं पाते कौन सा ले, उसको लेते हैं, फिर मन में आता है कि उसको ले. तो ये एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स की वजह से आज हमारे सामने वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल. ठीक है, फ्रॉम टी शर्ट्स, टी शर्ट से लेकर के टीवी तक, ठीक है,
और फ्रूट जूस तक, प्रोसेस्ड फ्रूट जूस तक आज हमारे सामने इतनी वेराइटीज़ हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम लोग तरह तरह की वेराइटीज़ को ट्राई करने लगते हैं। टी शर्ट वही चीज़ है लेकिन उसके क्या कहते हैं, अलग अलग मॉडल को देख करके अलग अलग। आज टीवी के बहुत सारे एलईडी टीवी लोग यूज़ करने लगे, फ्लैट एंड थिन टीवी यूज़ करने लगे। तो ये क्या कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स। ठीक है, तो ब्रांड एक्सप्लोजन इट वॉज कॉज्ड बाई ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स। आज हमारा जो ब्रांड में तरह तरह का जो है क्या कहते हैं वेराइटीज आ रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है। नहीं तो कौन जाता था कि आज एमआई मोबाइल्स जो कि चाइना की है, या हमारे जो है क्या कहते हैं रियलमी मोबाइल्स जो कि अदर कंट्रीज की हैं, वो हमारे हाथ में कहाँ से आए? इट इज़ बिकॉज दे हैव क्रॉस द बाउंड्री ऑफ चाइना एंड इंटर्ड इन आवर बाउंड्री इन आवर मार्केट एंड दे आर परचेजिंग देम इवन बाई शॉप और ऑनलाइन। है कि नहीं? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन को रैपिड स्पीड कौन दे रहे हैं? ऑनलाइन कंपनीज जैसे आपके जो है अमेजोन। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारी और भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, दे आर हेल्पिंग अस टू इंक्रीज द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बढ़ गई है ऑनलाइन कंपनीज की वजह से, क्योंकि वो हर कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को हमारे इंटरनेट पे लॉन्च कर देते हैं। ओके बेटा, ओके, आई विल पुट दिस यू नो दिस वीडियो, ओके, एंड यू लिसन देम एट दैट टाइम। सो वी हैव गॉट, दिस इज अ ब्रांड एक्सप्लोजन, एंड दिस ब्रांड एक्सप्लोजन बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन यू नो मार्केटिंग कंपनीज लाइक amazon.com, Flipkart, अंडरस्टैंड, एंड मैनी अदर्स आर देयर। सो सच वाइड रेंजिंग च्वाइस ऑफ गुड्स, अब हमारे जो गुड्स में बहुत ही वाइड रेंजिंग का च्वाइस है, बहुत अच्छे अच्छे च्वाइस आज हमारे सामने है गुड्स के लिए, है कि नहीं? एंड इट इज़ कमिंग इन मार्केट इज अ रिलेटिवली रिसेंट फेनोमेना। ठीक है, और ये अभी हाल ही में ये घटना घट रही है कि आज मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, इजंट इट? सो व्हाई दिस फेनोमेना टुक प्लेस? दिस फेनोमेना टुक प्लेस बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कॉज्ड एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स एंड ड्यू टू दैट इट रीच टू अस इन मार्केट। सो यू वुडेंट हैव फाउंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट इवन टू डिकेड्स बैक। आज से 20 साल पहले मतलब 2000 में इतनी वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं थी हमारे सामने। मोबाइल फोन्स थे तो इक्की दुक्की कंपनीज थी और दे आर वेरी कॉस्टली, उस समय बहुत महंगे थे। आज से 20 साल पहले यही मोबाइल फोन जो आज हम 10,000 का परचेस करते हैं, वो उस समय मोर देन 50,000 के थे। ओनली रिच पीपल्स कुड अफोर्ड दैट, इजंट इट? और हमारे इंटरनेट में भी इतना डेवलपमेंट नहीं था। How this development came? This development came because of globalization. Children, आपको पता होना चाहिए कि in a matter of years, कुछ ही वर्षों में our markets have been transformed. हमारे बाजार में काफ़ी changes आए, हमारा market काफ़ी transform हो गया। तो अब हमारे पास ऐसे ऐसे showrooms हैं और जो कि केवल electronics products को deal करने वाले, कोई fabrics को deal करता है, कोई हमारे प्रोसेसिंग फ्रूट जूसेस को डील करता है, कोई टीवीज को डील करता है, और कोई बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हमारे और डेली नीड्स को, जैसे हार्डवेयर शॉप्स, इजंट इट, मेनी इंटरनेट कैफे, एंड यू कैन से देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यू नो सूटिंग सर्टिंस एंड मेनी टाइप्स ऑफ यू नो यूटेंसिल शॉप्स, दे आर कमिंग। दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ explosion of brand and because of globalization. Okay, so why this globalization took place, why this explosion of brands took place? Because of you know increasing effect of impact of information and communication technology. आज हमारा information and communication technology इतना broad हो गया है कि we are able to you know पुट वेराइटी ऑफ गुड्स ऑन इंटरनेट। पब्लिक जो है आज हमारा जो ये जो हमारे ब्रांड का एक्सप्लोजन है, ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ।
okay children, and this possibility became because of we are using various types of gadgets, electronic gadgets. आज हमारे पास टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ब्रांड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है. हाउएवर इन आवर कंट्री देयर इज यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ शॉप्स, यू नो बेटर क्वालिटी ऑफ शोरूम्स आर अवेलेबल, ठीक है. लेकिन वो हमारे कभी कभी हमारे ऑनलाइन से महंगे पड़ जाते हैं, है ना. और उसके साथ साथ देयर इज नो होम डिलीवरी, उनकी होम डिलीवरी नहीं है, हमें उस शॉप तक जाना होता है. इफ़ योर प्रोडक्ट्स आर वेरी हैवी तो उसमें वियर एंड टीयर होने का डर रहता है. लेकिन आज एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स की वजह से हमारी जो ऑनलाइन कंपनीज हैं दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज डोर टू डोर, है कि नहीं. और ये हमें जो है कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके. सो इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है. आज हमारे मार्केट में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है ना. क्यों ये मार्केट कैसे हमारे ट्रांसफॉर्म हुए, ये हमारे सारे मार्केट्स दे आर हैविंग वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है. पहले इक्के दुक्के आइटम्स होते थे, आज हर ब्रांड के गुड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है. और जैसे अभी आप फैब्रिक्स के केस में ले लीजिए, रेमंड्स उसका स्पेशल शोरूम होता है, वहीं पे आपका मयूर सूटिंग सेटिंग्स का अलग शोरूम है, वहीं DCM का अलग शोरूम है, वहीं पे और बहुत सारे हमारे जो यूटेंसिल्स से हॉकिंस जो हमारे प्रेशर कुकर का रेंज है, इसके अलावा बहुत सारे और वेराइटीज़ हैं किचन वेयर्स, राइट. उनका एक अपना एक अलग मार्केट है ना. फिर हमारे जो है पब्लिकेशन बुक्स के अलग मार्केट्स हैं, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो है हार्डवेयर के मार्केट्स अलग हैं. इसके अलावा हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मार्केट्स अलग हैं, लैपटॉप्स के मार्केट अलग हैं, मोबाइल फ़ोन्स के मार्केट अलग हैं, राइट. सो इसमें क्या है, हमारा मार्केट आज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, राइट. व्हाई इट हैपेंड, इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स. हमारे ब्रांड में एक एक्सप्लोजन हो चुका है, बहुत सारी कंपनीज के लोग, बहुत सारे लोग जो है आज ब्रांड को जो है पूरी तरीके से जो है नए नए ब्रांड्स को लेकर आ रहे हैं हमारे सामने. और अलग अलग फीचर्स, दे आर हैविंग स्पेशल फीचर्स इन देयर ब्रांड, इजंट इट. एंड यू नो दीज गुड्स हैव वैरायटी ऑफ यू नो शेप एंड साइज, कलर्स, मॉडल्स, ठीक है. इनके जो है क्या कहते हैं अलग अलग जो है स्पेशल गारंटीज होती हैं इनके साथ. प्राइजेज में भी फ्रॉम लोअर टू हाई, लोअर प्राइसेस के भी हैं, मीडियम क्लास मीडियम जो है प्राइस के भी हमारे पास गुड्स आर अवेलेबल. एंड वी आर हैविंग मेनी अदर थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, दैट इज़ देयर यू नो ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी को भी शो करते हैं और ज़्यादा चार्ज करते हैं. जो भी चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं वो कॉस्टली भी होती हैं, इजंट इट. सो इन दिस वे आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म, ओके. हमारे मार्केट में आज एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन आ चुका है. पहले के टाइम में हमारे मार्केट्स जो होते थे उसमें जो है एक ही शॉप में हर वैरायटी की चीज़ें उपलब्ध होती थी और उनमें कोई गारंटी नहीं सही से होती थी और ना ही जो है मार्केट में उतनी फैसिलिटीज़ होती थी कि उसके लिए उतने रैक्स नहीं प्रोवाइड कर पाते थे. नाउअडेज पीपल आर पुटिंग इन्वेस्टमेंट, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट एंड दे आर यू नो फोकसिंग ऑन मार्केट एक्टिविटीज़. And that's why we are able to get, you know, variety of goods with special features, isn't it? So in this manner, we can say that, you know, this changes or, you know, transformation changes the lives of the people. आज हमारे lifestyle में चेंज आ चुका है. एक समय था जब लोग खाली रेडियो सुनते थे, लेकिन आज समय क्या आ गया है, people are having you know cell phone in their hands, they are watching, they are listening and they are playing with various types of games. Why this became possible? Because of transformation of market and explosion of brands, isn't it? Brand itna explode ho chuka hai ki aaj hamare paas variety of you know cell phone logo ke hands mein hai. कोई ये मॉडल ले रहा, कोई वो मॉडल ले रहा अपने बजट के हिसाब से, एंड दे आर परफॉर्मिंग यू नो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस,
है ना। एंड यू नो दिस यू नो आवर हैंडसेट्स दिस सेल फोन्स दे आर एक्टिंग लाइक मिनी कंप्यूटर, दे आर प्रोवाइडिंग ऑल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, इवन वी कैन जस्ट यू नो अटेंड वेबिनार्स, वी कैन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एंड वी कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, वी कैन परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वी कैन मेक प्रोजेक्ट्स, वी कैन मेक मूवीज, वी कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ यू नो यू कैन से थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अस, वी कैन मेक यू नो फोटोग्राफी, वी कैन डू फोटोग्राफी अलॉन्ग विद दैट यू नो वी कैन परफॉर्म many types of activities via internet. So why this became possible? It is because of explosion of brands. Okay children, so we shall dwell on this question ki how are these changes affecting the lives of people. ये जो आज changes हुए हैं हमारे जो brands में नए नए brands आए हैं, इसने हमारे लोगों की life को कैसे जो है affect किया, कैसे प्रभावित किया है, इस क्वेश्चन का आंसर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. चिल्ड्रन यू कैन वॉच सम पिक्चर्स, आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को वॉच कर सकते हैं, है ना. और ये जो पिक्चर्स हैं हमारे हैं, ठीक है, ये पिक्चर्स, इन दिस पिक्चर वी कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ मॉल्स. ये मॉल्स की पिक्चर्स हैं, जैसे दिल्ली वगैरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आज हमारे मॉल्स बने ओवर ब्रिज के नीचे, राइट. इनका शोरूम बना हुआ है, इसमें शोरूम में अलग अलग मॉडल्स बने हुए हैं. और किस तरीके से जो है लोग पहले सड़कों पे ऐसे फुटपाथ पे खड़े होकर बेचते थे, और आज वही सारी चीज़ें हमारे पास शोरूम आ गए बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड. इतने ब्रांड हो गए, जैसे ये लेडीज़ देखो सॉक्स लेकर खड़ी है, लेकिन इसके इतने ब्रांड है कि इसका पूरा हाथ भर गया है. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ शॉक्स, मेनी टाइप्स ऑफ आइटम्स दैट हैव डिफरेंट ब्रांड्स. तो इसमें से हमारे पास चॉइस हो गया है कि हम कौन सा ब्रांड खरीदें, ठीक है. तो वी चूज दैट ब्रांड विच लुक्स अट्रैक्टिव, विच लुक्स मोर ड्यूरेबल एंड विच लुक्स मोर इंटरेस्टिंग. ओके चिल्ड्रन, और इसके साथ साथ हमारा जो ये है ये जो हमारा पोर्शन है, ये आपके मॉल्स के पोर्शन है, किस तरीके से लोग मार्केट में इंटर करते हैं और कैसे बाहर निकल रहे हैं, और किस तरीके से अलग अलग ब्रांड्स को जो है यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है. ये मार्केट आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, वहाँ के, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से रोड के किनारे हमारे शोरूम्स मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में बने हुए हैं विद वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स. इनके सबके हर ब्रांड के अपने अपने एडवर्टाइजमेंट्स हैं. यू नो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मॉल टाइप से है, और इसके जो है मल्टी स्टोरीड है इसकी बिल्डिंग, है कि नहीं. एंड दिस बिल्डिंग इज अपीयरिंग मल्टी स्टोरीड. ओके चिल्ड्रन, तो इस तरीके से हम लोग मीन्स वी कैन फाइंड आउट वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन इंडियन इकोनॉमी. ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक टुडे यू पीपल आर जस्ट आई हैव बिगन दिस चैप्टर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. यहाँ पे अभी हम आपको आज असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, यू हैव टू गिव सम आंसर्स. ओके चिल्ड्रन, एंड we will try to understand and learn this lesson slowly, okay, and try to understand every points, every concept. So globalization is defined as a integration of economy of two or more than two countries. Understand? When the economy of two or more than two countries integrate, then there is free flow of trade, commerce, you know, market, labor, culture, and many other things. Okay?
दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, मीन्स हियर ऑल दीज थिंग्स क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अनदर कंट्री. ओके स्टूडेंट्स, सो टूडे इन दिस वीडियो दिस मच इज टूडे एंड यू हैव टू वॉच इट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.